तो सुबह का मौसम लखनऊ में है बहुत गर्म। न्यूज़ में हम रोज़ देख रहे हैं चारों ओर बारिश ही है, लखनऊ में बारिश ही नहीं होती। कल रात थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन वो बारिश होती है सिर्फ ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए। पहले यहाँ पर खेत हुआ करता था, धीरे धीरे यहाँ पर बैंकेट हॉल बन गया। अब यहाँ पर एक बैंकेट हॉल बन जाएगा, अभी उस साइड खेत बचे ही है, तो थोड़ा यहाँ से अब नज़ारा ग्रीनरी देखने वाला थोड़ा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर घास लगी है तो ऐसे मिल जाएगा। और बोलते हैं भगवान नहीं है, बच्चे भगवान की देन होते हैं। तो आज का ब्लॉग वहीं से शुरू करते हैं। मम्मी वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल तत्पर रहती है, देखो तुरंत जैसे मैंने अभी तक अपने मोबाइल पर लगी हुई थी, जैसे इसको कैमरा दिखाया था तुरंत मतलब कैमरे की ओर देख के ऐसे बैठ गई, जैसे मतलब कुछ कहना चाह रही थी कैमरे में। कौन से मंदिर जा रहे हैं? हाँ, नाम ही बोल गई। तो यही जहाँ पर हम लोग रहते हैं फैजाबाद रोड में, यहाँ से गांव है एक जुग्गौर, जुग्गौर में एक माता जी का मंदिर है। तो फिलहाल हम जा रहे हैं, मंदिर का नाम है सैलानी माता मंदिर। निहारिका ने वहाँ मन्नत मांगी थी, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। अभी आपको निहारिका को दिखाता हूँ कि निहारिका ने मन्नत क्यों मांगी थी। क्या मन्नत मांगी थी तुमने? इसको दर्शन दिलाने के लिए। तो ये है हमारे बेटे का फर्स्ट लुक ऑन यूट्यूब। ये देखो कुशाग, हमने रखा है नाम कुशाग, घर में हम बोलेंगे कुश। तो ये मिथुन राशि का जातक है, तो मतलब भगवान के आशीर्वाद से, आप लोग की दुआ से हमें हुआ था जून में बेबी, जिस वजह से मैं एक साल से ब्लॉग नहीं बना पा था, क्योंकि मैं निहारिका की केयर करनी थी, तो हम कहीं घूमने नहीं जा पाए निहारिका में। तो अभी बाबू हो गया है। ये देखो, ये देखो, 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 ये देखो, ये देखो, इधर देखो, पोते के पीछे में कन्वर्जेशन हो रहा है, और पापा तो उन कैमरा देके भाग जाते हैं। हेलो हेलो हेलो, आयु मारे जो बर्मा हो गया। पापा के साथ बहुत ज़्यादा खेलता है। पापा हो क्या नाम? ये पापा बना रहा है, वीडियो बना रहा है, वीडियो बना रहा है। तो मम्मी पापा लोग पहले भी गए थे मंदिर में, लेकिन आज बोल रहे कि कौन से रास्ते जा रहा है, कि एक ही रास्ता है वहाँ जाने का। तो अभी हम लोग चल रहे हैं फैजाबाद रोड पे, पापा बैठे हुए हैं यूँ आगे, और कुश और निहारिका और मम्मी बैठे हुए हैं पीछे। तो अभी चल रहा है महीना जुलाई का, तो सावन का महीना चला, तो हमने कहा चलो संडे है तो आज मंदिर भी जाए। और बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बनाया था, तो बहुत दिन से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो ऐसे ही होता है कि ब्लॉग बनाने के लिए एक्चुअली टाइम नहीं पाया पिछले एक साल से। एक साल पहले मैंने ब्लॉग बनाया था, कुछ बीच में मैंने गया जब घर गया था मम्मी पापा लोग को लेने के लिए दिसंबर के टाइम में, तब मैंने कुछ ब्लॉग बनाए थे। लेकिन आज मतलब करीब ब्लॉग बन रहा है करीब 6-7 महीने बाद, क्योंकि बीच में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बिजी था। तो अब भी ब्लॉग आते रहेंगे कंटिन्यू। अब हमारा लिटिल मास्टर भी आ गया, तो लिटिल मास्टर के साथ भी ब्लॉग आएंगे बहुत सारे। तो स्टे ट्यून, अब यूट्यूब चैनल पे आपको रोज ब्लॉग अपडेट होते रहेंगे। तो ये सामने है किसान पथ, तो किसान पथ से ही हमको टर्न लेना है जुग्गौर गांव को आपके सुल्तानपुर वाली। तो देखिए, कभी भी आपको अगर बनारस जाना हो तो आप ये फैजाबाद रोड से ये किसान पथ पकड़ लीजिए, यहाँ से आपको सुल्तानपुर जौनपुर होते हुए 30-37 किलोमीटर आपको बनारस पड़ेगा, एक बोर्ड लगा हुआ है। और आप अगर अपनी गाड़ी से जाएंगे तो आप 4 घंटे में आराम से बनारस पहुंच सकते हैं। देखिए बोर्ड लगा हुआ है बनारस लखनऊ और सुल्तानपुर का, तो यहाँ से आप 4 घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे बनारस, क्योंकि मैं इसे आज से 2 बार जा चुका हूँ और 4 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगता अगर आप रुक के भी चलते हैं, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट और लंच दोनों के रुकते हैं तब। अभी थोड़ा ये हाईवे डेवलप हो रहा है, अभी ये पूरा बनने वाला है, अभी थोड़ा इसमें कनेक्टिविटी भी बची हुई है आगरा एक्सप्रेस वे और कानपुर ग्वालियर स्टेक में मिल गया है, आगरा एक्सप्रेस वे मिलने वाला है। तो ये लखनऊ आउटर लखनऊ रिंग रोड में ये हाईवे आपको बहुत अच्छे ढंग से सुविधा देने वाला है आने वाले टाइम में। तो ये हम लोग फैजाबाद रोड से जैसे ही 1.5 किलोमीटर आते हैं तो ये जुग्गौर को ये रोड मिल जाती है माता सैलानी मंदिर की ओर को। वो यहाँ कुलदेवी भी है गांव वालों की, तो बहुत मान्यता है, लोग बहुत आते हैं यहाँ पर। बैराज भी है बगल में, इंदा नहर बहती है उसके उस पार, आनी वाटर पार्क है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे लेफ्ट टर्न और जाएंगे जुग्गौर गांव की। तो यार निहारिका और मम्मी और हम लोग अभी आए थे जनवरी में, तो नहीं आए।
की मम्मी और पापा आए। तो यहाँ से हमने टर्न कर लिया जुगौर गांव की ओर। तो हम रानी माता मंदिर पहुँच गए। ये मंदिर है और हमारा बाबू सो गया जी। एक आगे ये नींद बस सर इसका ढक देते हैं यूं करके तो इसको नींद आ जाएगी। तो पहले यहाँ पे एक कुंड है तो हम कुंड में जाएंगे, पहले पाँव धो लेंगे उसके बाद मंदिर जाएंगे। तो यहाँ पे एक प्राकृतिक कुंड है, कुंड के अंदर ही से मतलब पानी अपने आप अंडरग्राउंड पानी आते रहता है। तो यहाँ लोग नहाते हैं, हम लोग नहा के आए तो पाँव धोएंगे फिर। तो इसके अंदर हैं बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ कुंड के अंदर। तो अंदर से अपने आप पानी आते रहता है इसमें और वो पानी नेचुरल है, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से पानी आ रहा है, पानी पूरा नेचुरल है। तो लोग इसमें आके स्नान करते हैं फिर मंदिर जाते हैं। हम लोग नहा के आए तो हमने हाथ पांव धो लिए, उसके बाद हम जा रहे हैं मंदिर। इस मंदिर की एक खासियत और है, यहाँ पे नीम का पेड़ और पीपल के पेड़ की दोनों की जड़ एक ही है। ये आप देख रहे हैं दोनों की जड़ हमेशा एक ही रहेगी। रानी माता मंदिर पौराणिक मंदिर है। रानी माता को शैलपुत्र के नाम से जाना जाता है। रानी माता मंदिर गोमती नदी तट पर स्थित है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु अवगंता सभी श्रद्धालुओं को मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है तथा माघ पूर्णिमा को यहाँ भव्य मेला लगता है। मंदिर परिसर मतलब स्थित अभ्यन प्राकृतिक रूप से हमेशा जलमग्न रहता है। जो मैं आपको दिखा रहा था कुंड वो जलमग्न रहता है। उधर से ही सामने बिल्कुल ऐसे जाके रास्ता आगे आप जाके जाओगे तो करीब आपका 200 मीटर बाद आपकी गोमती नदी आपको मिल जाएगी। तो यह है माँ रानी माता मंदिर। यहाँ पर ऐसे कुछ प्रसाद की दुकानें हैं आसपास। जब मेला लगेगा तो दुकानें बढ़ जाती हैं बहुत ज़्यादा। अभी मेले वाला टाइम नहीं है तो हम संडे के दिन ऐसे आए हुए हैं तो अभी ज़्यादा मतलब भीड़ नहीं है। कुछ लोग आते हैं जैसे हम लोग आए हैं तो ऐसे कुछ लोग आए हैं, बाकी लोग नहा रहे हैं इनके कुंड में। तो यह है रानी माता का मंदिर। अभी मैं आपको उन पेड़ की दोनों जड़ दिखाऊंगा, दोनों पीपल और नीम। दोनों पेड़ों की जड़ एक है और एक ही पेड़ से पीपल और नीम दोनों उगे हुए हैं इसमें। तो मैंने आपको जो बोला था ना कि देखिए दोनों पेड़ों की जड़ एक ही है, एक ही जगह से दोनों पेड़ उगते हैं। तो एक साइड नीम का पेड़ और एक साइड से आपका पीपल का पेड़, ये इसकी खासियत है। उस मंदिर में पत्ते बहुत हैं जो मीठा खाते हैं तो ये मीठे के पीछे आपके पीछे घूमते रहेंगे प्रसाद के चक्कर में ऐसे करके। देखिए ये पेड़ ये है और ये पूरी माता रानी का मंदिर यहाँ पर। बाबू को माता जी के देखेंगे, बाबू पूरा सोया रहा, अभी भी सोया ही है, अभी भी जगह नहीं है। घर घर में उठा हुआ था और जैसे मैं देख बुलाए तो सो गया गाड़ी से, अभी भी सोया हुआ है। तो मम्मी पापा लोग ने दर्शन कर लिए, बाबू को इसके साथ पहला ब्लॉग हमारा बन गया सोए सोए में। तो यहाँ पर गांव का नज़ारा ऐसा है, पहले मैंने आपको मंदिर दिखाया था। तो बाराबंकी से हम वापस आए तो यहाँ देखिए पूरे धान की खेती हो रही है मस्त। बीच में ये रास्ता है बहुत ग्रीन ग्रीन रास्ता और यहाँ पूरी ऐसे खेती है। ये जागने वाला है, लगा बहुत दूर से जागेगा फिर रोएगा। अभी पूरा रास्ता सफर में इसने काट दिया। तो ये हमारा था कुशाग्र के साथ पहला ब्लॉग जिसमें कुशाग्र सोया सोया ही है। देखो देखो ये हाथ कैसे रखा हुआ है ऐसे करके, जय श्री राम जय श्री राम। तो ये ऐसा ही सोया रहेगा और मतलब जब बड़ा होगा तब ये बोलेगा ब्लॉग में आके। तो मिलते हैं, कैसा लगा आपको ये ब्लॉग कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के तक ले। जय देवभूमि जय उत्तराखंड, क्योंकि मैं उत्तराखंड का रहने वाला घूम रहा हूँ यूपी में, वो अलग बात है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।